दोस्तों 1 सितंबर 2019 से मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया है। लगता है ऐसा है कि जैसे सेफ ड्राइविंग के उद्देश्य से जुर्मानों में वृद्धि की गई है। अच्छी बात है, सड़क पर सुरक्षा के नियमों का लोग पालन करें, लेकिन क्या खौफ फैला के आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करा सकेंगे? मैं एक लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हूं, इतनी उम्र हो गई, लगभग 30-35 साल से कार चला रहा हूं। आज तक कोई गंभीर दुर्घटना नहीं करी, हमेशा सीट बेल्ट पहनकर कार चलाई, कभी कार चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करी, कभी रेड लाइट जंपिंग नहीं करी, कभी जेब्रा क्रॉसिंग पे कार नहीं खड़ी करी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है, अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी तो हजारों में जुर्माना, अगर आप शराब पी के कार चला रहे हैं या वाहन कोई भी चला रहे हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना। बड़ी अच्छी बात है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना खतरनाक है, शराब के नशे में वाहन चलाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक मेरे जैसे लॉ अवॉइडिंग सिटीजन के लिए अगर पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया, उसने कहा श्रीमान जी आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी इसलिए मैं आपका चालान काट रहा हूं, और चालान काट के मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे कह दिया गया आप अदालत में फलानी फलानी तारीख को पेश हो जाइए। मेरे पास अपने बचाव के लिए क्या जरिया है? क्या मैं अपनी कार में कैमरा फिट करवाऊं? मेरे से मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि पुलिस वाले की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, आपने वास्तव में सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी इसलिए तो आपका जुर्माना किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस वाले की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई भ्रष्ट सिपाही है तो उसका उद्देश्य क्या है? वो जानता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 1,000 रुपए का जुर्माना है। इस बुजुर्ग व्यक्ति को मैं धमकाऊंगा डराऊंगा कि आपको अदालत में जाना पड़ेगा, 3 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कुछ सुविधा शुल्क देके ये मामले को रफा दफा करेगा। वही बात रेड लाइट जंपिंग की है, वही बात मोबाइल पे बात करने की है, सारे नियम कायदे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के बात को सही मानते हुए बनाए गए हैं। लॉ अवॉइडिंग सिटीजन के लिए आपने इस मोटर व्हीकल एक्ट में जो परिवर्तन किया है उसकी सुरक्षा के लिए क्या आपने रास्ता बताया है? इस देश में बड़े बड़े कानून के दिग्गज हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति ये बता दे लॉ अवॉइडिंग सिटीजन के लिए कि मेरे पास अपने बचाव का जरिया क्या है। एक तरफ पुलिस वाले का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ मेरा स्टेटमेंट है। एक तरफ पुलिस वाले का चालान है जिसमें लिखा गया है कि ये श्रीमान जी टेलीफोन पे बात करते समय कार चला रहे थे, मेरी कार में कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि ये सिपाही सिर्फ मेरे से सुविधा शुल्क वसूलने के लिए मेरा झूठा चालान उसने करा है। अगर कानून का उल्लंघन करने के लिए एक आम नागरिक पे आप भारी भरकम जुर्माने लगा रहे हैं तो जिस कानून का उसने उल्लंघन नहीं करा है तो एक आम नागरिक को भ्रष्ट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के कर्मचारियों से बचाने के लिए भी कुछ व्यवस्था करें, या अदालत में पुख्ता सबूत दिए जाएं जिसमें कैमरा रिकॉर्डिंग हो,
जिससे ये बात सिद्ध हो कि इस व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, या ये व्यक्ति टेलीफोन पे बात कर रहा था, या ये व्यक्ति रेड लाइट जंप जिसने करी है। विदेशों में इस तरह के सख्त कानून हैं, लेकिन वहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे हैं, और अदालत में जब तथाकथित अपराधी पेश होता है तो उसको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि देखिए आप रेड लाइट आपने जंप करी है, देखिए आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। हम विदेशों से उल्टे सीधे कानून तो यहाँ ले आते हैं, लेकिन हम ये नहीं व्यवस्था करते कि जो हमारे जैसे साधारण नागरिक हैं, जो कानून का अक्षरक्ष पालन करते हैं, उनको भ्रष्ट अधिकारियों से कैसे बचाया जाए। अभी इस तरह कुछ हमने वीडियोस देखे हैं जिसमें कहा गया है कि जो सिपाही है, यातायात का जो सिपाही है, उसको अधिकार नहीं है कि वो आपके गाड़ी के फिटनेस की कागजात देख सके या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख सके। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे मोटरसाइकिलों को रोक के, कारों को रोक के उनसे कागजात मांगे जाते हैं। कई कानून के जानकार कहते हैं कि ये अधिकार सिर्फ आरटीओ ऑफिसर्स को है। इस बारे में ना कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है, ना सरकार की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दे के बताया गया है कि एक आम नागरिक के, मेरे जैसे साधारण नागरिक के क्या अधिकार है। दोस्तों, इस पर विचार करें और सरकार से पूछें कि मेरे जैसे व्यक्ति को भ्रष्ट यातायात के सिपाहियों से बचाने के लिए क्या व्यवस्था की है। नमस्कार।